हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज नुक्कड़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स से हम क्रॉप प्लांट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो वीड होता है वह क्या करता है, जो हमारे क्रॉप प्लांट होते हैं उनके साथ में कॉम्पीट करता है। कॉम्पीट किसके लिए करता है? एयर के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कॉम्पिटिशन करता है। और इसलिए उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने उनको नहीं निकाला तो क्या होगा? अगर हम नहीं निकालते हैं तो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कई सारे स्टेप्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग, फिर हमने किया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कट करना, यानी क्रॉप को, क्रॉप प्लांट की कटिंग करना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब हमारा क्रॉप प्लांट पक के तैयार हो जाता है, जब वह पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, हमारे प्लांट में जो सीड ग्रेन्स होते हैं वो पक जाते हैं, अच्छे से बन जाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्रॉप की कटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और क्रॉप प्लांट को मैच्योर होने में 3 to 4 months का टाइम लग जाता है। क्रॉप प्लांट जो होता है उसको मैच्योर होने में बच्चे कितने टाइम लगता है? 3 to 4 months उसको लग जाते हैं, 3 to 4 months लग जाते हैं। अब हमको पता कैसे चलेगा कि जो हमारी क्रॉप है वह पक के तैयार हो गई है? तो होता क्या है कि जब हमारा क्रॉप इमैच्योर होता है, इमैच्योर का मतलब है कि जब हमारा क्रॉप लश ग्रीन कलर का होता है, लश ग्रीन, एक मिनट यहाँ नहीं लिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो बेटा, जब हमारा क्रॉप प्लांट इमैच्योर होता है, तो वह कैसे कलर का होता है? तो वह होता है लश ग्रीन कलर का। लश ग्रीन कलर मतलब बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। और जब वह पक के तैयार हो जाता है तो वह गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। किसका हो जाता है? गोल्डन येलो या फिर ब्राउन कलर का हमारा प्लांट हो जाता है। तब हमको पता चल जाता है कि अब हमारा प्लांट मैच्योर हो गया है, हमारा जो प्लांट है उसमें सीड ग्रेन्स पक्के तैयार हो गए हैं, अब हमें उसको कट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चलता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो क्रॉप है वह कैसे कलर की है, गोल्डन येलो कलर की है। और यहाँ पे ये लेडीज उसको कट कर रही है, किसकी हेल्प से? सिकल की हेल्प से, यानी कि जो दराती होती है उससे उसको कट किया जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो मैच्योर होने के बाद में क्रॉप की कटिंग करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो क्रॉप होती है, ऐसा नहीं है कि हम इसको ऊपर से काटेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक वीट ग्रेन का प्लांट है, वीट क्रॉप का एक प्लांट है, इसमें ये वीट्स लगे हुए हैं, वीट ग्रेन्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये वीट्स है, वीट्स के सीड ग्रेन्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम इसको कहाँ से कट करेंगे, ये मान लीजिए कि लैंड है, फील्ड है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, इस जगह से, नियर द लैंड, मतलब ज़मीन के बिल्कुल पास से हम इसको कट करते हैं। इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप ऑफ मैच्योर। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्रॉप को मैच्योर होने में 3 to 4 months लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाई सिकल। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो सिकल से की जाती है। सिकल कैसा होता है? इस तरह का,
जैसा यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये सिकल होता है। इस सिकल की हेल्प से हार्वेस्टिंग की जाती है, इसको हिंदी में दराती भी बोलते हैं, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और हम मशीन की हेल्प से भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इंडिया में भी आजकल हार्वेस्टर का यूज होने लगा है, लेकिन विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में हार्वेस्टिंग मशीन से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? अब हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग कर लिया। हार्वेस्टिंग में हमने क्या किया, जो हमारा क्रॉप प्लांट था उसको हमने कट कर लिया। अब जो क्रॉप प्लांट है, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे हमने वीट का क्रॉप बनाया था, ये था हमारा वीट का क्रॉप, ये है मान लीजिए वीट क्रॉप। इसमें लगे हुए हैं ये सीड ग्रेन्स, इसमें क्या हैं, सीड ग्रेन्स हैं। इस वीट क्रॉप में ये सीड ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको कट कहाँ से किया था, हमने इसको कट यहाँ से किया था, ठीक है ना, हमने यहाँ से कट किया था। अब हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमको तो सीड ग्रेन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो स्टॉक है उसका हम क्या करेंगे, जो बाकी का पार्ट बचा है उसका हम क्या करेंगे, तो हमको सीड ग्रेन्स को अलग करना है। हमको क्या करना है, सीड ग्रेन्स को अलग करना है। अब इस पूरे का तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमको सिर्फ सीड ग्रेन्स चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए होता है फिर थ्रेसिंग। सबसे पहले हार्वेस्टिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग के बाद में किया जाता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, जो सीड ग्रेन्स हैं उनको अलग किया जाता है, इस स्टॉक से, जो स्टॉक रहता है उससे क्या करते हैं, सीड ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। थ्रेसिंग में क्या करेंगे कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स होती हैं, ज़्यादा से क्रॉप प्लांट एक साथ में लेके हम उसका बंडल बना लेते हैं, और फिर बंडल्स में हमारी जो क्रॉप है वह रखी हुई होती है, और एक एक बंडल को उठाते हैं और उसको पीटते हैं, यानी कि बीट करते हैं। और जब हम उसको बीट करते हैं तो जो हमारे सीड ग्रेन्स हैं वह उस स्टॉक से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम थ्रेसिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उससे ग्रेन्स को बाहर निकालना, किसके थ्रू निकालना, बाई बीटिंग द क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग, उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, जो चॉफ होता है उससे उसको अलग करना भी जरूरी होता है। अब क्या हुआ कि ये स्टॉक था, ये तो अलग हो गया, लेकिन जो सीड ग्रेन्स हैं उनमें क्या होता है कि उनके ऊपर एक और लेयर लगी होती है, एक बहुत ही पतली सी लेयर लगी होती है, उसको भी हटाना जरूरी होता है। उसे हम बोलते हैं चॉफ, उस लेयर के साथ में ही हम उस सीड ग्रेन्स को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वह डाइजेस्टिव नहीं होता है, उसको हम इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस चॉफ को भी हटाना जरूरी होता है। वह हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हटाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। चलिए ये हो गया हमारा थ्रेसिंग। नेक्स्ट इज कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या है, कंबाइन का मतलब ये है बच्चा कि जो हमने हार्वेस्टिंग की है और जो थ्रेसिंग की है, दोनों ही काम एक साथ में हो जाएं, यानी कि हमारी क्रॉप हार्वेस्ट भी होती जाए और थ्रेस भी होती जाए, उसे हम बोलेंगे कंबाइन। तो इसमें दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। दिस इज कैरेड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, ये किसकी हेल्प से किया जाता है, मशीन की हेल्प से, विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर, जो हार्वेस्टर भी होती है और थ्रेसर भी होती है, दोनों ही काम एक साथ करती है। द मशीन इज कॉल्ड कंबाइन एज इट इज हेल्पफुल टू मैन प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, दैट इज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, दोनों एक साथ करती है। दिस कैन बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रेसिंग, इसको हम दोनों काम में ले सकते हैं, थ्रेसिंग भी कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मशीन क्या कर रही है, इस क्रॉप को कट करती हुई भी जा रही है और सीड ग्रेन्स को भी बाहर निकालती जा रही है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को इस मशीन की हेल्प से हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, तो हमने क्या किया, हमने पहले हार्वेस्ट किया, उसके बाद में हमने थ्रेस किया,
ठीक है। हार्वेस्ट में क्या किया हमने, कट किया। अब थ्रेसिंग में क्या किया हमने, सीड ग्रेन्स जो हैं उनको सेपरेट किया, और उसके साथ साथ में क्या हुआ, कुछ हस्क भी आ गया। कुछ हस्क मतलब जो गाय भैंस जो चरती हैं चारा, वो भी उसके साथ में आ जाता है, तो उसको तो हमें हटाना पड़ेगा। अब उसको कैसे हटाएं, अब उसको हटाने के लिए हम विनोइंग मेथड का यूज करते हैं, जिसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है कि एक सूप होता है, तो सूप में क्या करते हैं हम उस सीड ग्रेन्स को भरते हैं, सूप में हम उस सीड ग्रेन्स को भरते हैं और फिर इस तरह से हवा में उन सीड ग्रेन्स को नीचे गिराते हैं। तो सीड ग्रेन्स क्या होता है, वेट में हैवी होते हैं। सीड ग्रेन्स क्या है, वेट में हैवी होते हैं, तो सीड ग्रेन्स हमारे नीचे आ जाते हैं। सीड ग्रेन्स तो नीचे गिर जाते हैं, और जो हस्क होता है वह वेट में हल्का होता है, इसलिए वह हवा के साथ में दूर चला जाता है, यानी दूर जाके गिरता है। जो हमारे सीड ग्रेन्स होते हैं उससे थोड़ी दूरी पर जाके हस्क गिरता है, और जो सीड ग्रेन्स हैं वह नीचे सेपरेट होते चले जाते हैं। इस तरह से विनोइंग होता है। विनोइंग इज द मेथड इन विच हैवियर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर सबस्टेंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हैवियर कंपोनेंट है वह लाइटर सबस्टेंस से सेपरेट होता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। इस मेथड का यूज किस में किया जाता है, हस्क से ग्रेन्स को सेपरेट करने में, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बाद में विनोइंग किया जाता है। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम द चॉफ। थ्रेसिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेन को चॉफ से अलग किया जाता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉफ बाई विनोइंग। जिनके पास में कम लैंड होती है वो फार्मर्स इन मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास में ज़्यादा लैंड होती है, बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स में लैंड होती है, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को कंबाइन मेथड का यूज करना चाहिए, यानी कि जो मशीन है उसका यूज उन लोगों को करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टोरेज। तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नौकर के साथ।